ओ भाई साहब ये खड़ा ट्रेलर, ओ भाई साहब ये आ गया ट्रेलर। तो अपनी ये खड़ी अपनी केटीएम RC8, पहले गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर ट्रेलर से उतारते हैं बाइक। तो भाई ये खड़ा अपना ट्रेलर और ये रही अपनी केटीएम RC8, क्या गजब लग रही है भाई, एकदम आग लग रही है भाई। तो इसको ट्रेलर से उतारते हैं पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और यार आज माइकल ले रहा अपनी एक न्यू सुपर बाइक की डिलीवरी। तो माइकल ले रहा है KTM RC8। तो यार इसको सुपर बाइक का बड़ा शौक है और ये काफी दिन से मुझे बोल भी रहा था कि मुझे सुपर बाइक चाहिए कोई। तो मैं सोचा इसको दिला देता हूँ एक। तो मैंने इसको बोला था नहीं तो ZX10R ले ले, पर ये बोला नहीं मुझे KTM बाइक चाहिए। KTM बाइक इसे बहुत पसंद है यार। और आप भी कमेंट करो किन किन को KTM बाइक पसंद है। तो फिर ये मेरे को बोल भी रहा था कि मेरे को यूनिक बाइक चाहिए। तो फिर मैंने सोचा इसको KTM RC8 दिला देता हूँ। इसको KTM भी पसंद है क्योंकि KTM RC8 बहुत यूनिक बाइक है, बहुत कम लोगों के पास है। तो इसको ये बाइक भी बड़ी मुश्किल से मिली है क्योंकि वो बाइक डिसकंटिन्यू कर रखी है तो मिले भी नहीं कहीं। तो इसके KTM वालों से जान पहचान थी तो इसने वहाँ से स्पेशल ऑर्डर किया। तो KTM वाले बड़ी मुश्किल से मान गए तो इसकी बाइक स्पेशल ऑर्डर से बाहर से इम्पोर्ट की गई है। तो कल उनका फ़ोन आ गया था, ओ भाई साहब ठोक दी यार, रेड लाइट कौन फॉलो करेगा गेम में भी है। तो उनका कल मेल आ गया था इसके पास, तो भाई आपकी बाइक आज मिल जाएगी। तो चलते हैं अभी घर पे। तो अभी अपनी बाइक आ गई होगी घर पे तो डिलीवरी लेते हैं। तो इसको टेस्ट राइड भी नहीं मिली थी उस बाइक की क्योंकि वो बाइक है नहीं मार्केट में, तो चलाई भी नहीं है इसने। तो देखते हैं कैसी है चलने में। बाकी यार बाइक बहुत पावरफुल है, वो 1200 cc की है और इसको पसंद भी है KTM। तो मैं उसे इसको दिला ही देता हूँ। तो बस सब घर पे पहुँच ही गए, देखते हैं अपनी बाइक आ गई क्या। तो देखते हैं, ओ भाई साहब ये खड़ा ट्रेलर, ओ भाई साहब ये आ गया ट्रेलर। तो अपनी ये खड़ी अपनी KTM RC8, पहले गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर ट्रेलर से उतारते हैं बाइक। तो भाई ये खड़ा अपना ट्रेलर और ये रही अपनी KTM RC8, क्या गजब लग रही है भाई, एकदम आग लग रही है भाई। तो इसको ट्रेलर से उतारते हैं पहले, फिर इस पे मारते हैं गेड़िया वेड़िया मारते हैं। तो ट्रेलर से उतारते हैं पहले, ये थोड़ा साइड होना पड़ेगा और अब ये और इसको। तो भाई ये देखो KTM RC8 अब उतारते हैं इसको ट्रेलर से थोड़ा आराम से। भाई माइकल स्क्रैच वगैरह से मार दे भाई। तो पहले इसकी लुक दिखाता हूँ आपको, अंदर चलते घर पे फिर देखते हैं आराम से बाइक को। तो भाई इसकी लुक दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई एक नंबर की लग रही है बाइक, आगे से बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ रहा है, फुल स्पोर्ट्स बाइक है। तो फुल एग्रेसिव बाइक है, बहुत ही फास्ट बाइक है, एक नंबर की लग रही है ऑरेंज और रेड कलर में। तो KTM ज़्यादातर अपनी बाइक ऑरेंज बनाती है तो KTM की पहचान है ही। और अगली लाइट देखो इसकी, ये लो बीम हाई बीम और आवाज सुनते हुए इसके जो साउंड। ओ भाई साहब आवाज ही मस्त है। तो चलो और चलते इस पे एयरपोर्ट चलते हैं, वहां गेड़ी वेड़ी मारते हैं और इसकी टो स्पीड वगैरह मेजर करेंगे वहां पे चल के। भाई बाइक की लुक एक नंबर की लग रही है भाई, सही पसंद की है माइकल ने, बाइक एक नंबर की लग रही है बाइक। तो एयरपोर्ट पे चल के इसकी करते हैं टॉप स्पीड मेजर और स्टंट वगैरह करते हैं, थोड़े से बर्नआउट बर्नआउट वीली वीली मारते हैं। और बाइक में पावर भाई एक नंबर की, अल्टीमेट शो तो ऐसे ही चढ़ रही है, बिल्कुल भगने में बिल्कुल फास्ट है बाइक। और ये 1200 cc बाइक है तो इसमें 173 बेस्ट मिलती है और 123 न्यूटन मीटर, तो पावरफुल बहुत है। हैंडलिंग भी एक नंबर है बाइक की, बहुत ही मक्खन चल रही है बाइक, एकदम स्मूथ, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। माइकल की तो मौज हो गई भाई, सुपर बाइक ले गए लोंडा, अब तो सुपर बाइक पे गेड़ी मारेगा ये लॉस एंटोस में। और इसके घर से यार एयरपोर्ट भी काफी दूर है, तो और यार बाइक अभी नहीं है तो इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, ये तो ज्यादा बाहर घुमा भी नहीं सकते। तो इसकी नंबर प्लेट भी आ जाएगी थोड़े दिन बाद। और इसमें सोचा मैं कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी करवाऊं, बट अभी तो इसकी सर्विस भी नहीं है तो फर्स्ट सर्विस के बाद ही करवा सकते हैं वो सब चीज़ें। तो अभी सर्विस के बाद देखते हैं मॉडिफिकेशन, आप कमेंट करें क्या क्या। इसमें एग्जॉस्ट भी नहीं लग पाएगा बिना सर्विस, तो फिर एग्जॉस्ट लगाऊँ इसमें कोई अच्छा सा। भाई साहब बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में।
बहुत ही मजेदार बाइक है ये, पावर बहुत ज्यादा इस बाइक में, पिकअप बहुत अच्छा है बाइक का, रो पावर है बिल्कुल एकदम। और भगती है तब तो और अच्छी आवाज आती है बाइक में। पीछे से देखो इसकी लुक कितनी अलग ही लग रही है, क्योंकि पीछे से इसके टायर और इसके रियर सीट में बहुत ज्यादा गैप है, तो बहुत ऊंची लग रही है पीछे से, फुल स्पोर्ट्स बाइक है ये, तो फुल ट्रैक ओरिएंटेड है बाइक। बस एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम, बस अभी बस एयरपोर्ट पे चलते हैं अंदर। और वैसे भी अब शाम हो गई है यार, अंधेरा और होने जा रहा है, थोड़ा सा रात होने वाली है अभी। तो भाई हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, अभी बस एंट्री मारते हैं, खोल दे लोंडे। अरे कोई है ही नहीं क्या, तोड़ना ही पड़ेगा, चलो तोड़ देते इसको। बस एयरपोर्ट के अंदर चल के अभी इस पे व्हीली वगैरह मारते हैं, स्टंट वगैरह करते हैं। और यार रात हो गई है, थोड़ा कम दिखाई देगा इसमें, आपको इसका मीटर भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसका मीटर, केटीएम लिखा इसमें, मीटर अभी चल नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है, चेक करवाऊंगा मैं शोरूम पे जाके। और व्हीली मार के देखते हैं, ओ भाई साहब उठ गया तो बिल्कुल, व्हीली ट्राई करते। और यहाँ पे ओ हो भाई साहब व्हीली, इस बाइक में वेट थोड़ा ज्यादा है तो व्हीली लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको उठ तो रही है। ये देखो भाई बाइक की लुक एक नंबर के, ये देखो व्हीली, ओ भाई साहब व्हीली मार रहा है तो, बर्नआउट और मार के देखते। और इसमें ओ भाई साहब बर्नआउट तो एक नंबर का लग रहा है इस बाइक में, धुआं ही धुआं उठा दिया आज तो, टायर फाइट के मारने गए। लाइट की विजिबिलिटी देखो कितनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी लाइट विजिबिलिटी, लुक एक नंबर की लग रही है बाइक की स्पेशली भाई। अब टॉप स्पीड और करके देखते हैं इसकी कितनी, 180 तक तो, 180 या 200 तो टच कर जानी चाहिए, अब देखो कितनी करती है। वैसे इसकी सर्विस भी नहीं हुई है, तो सर्विस के बाद और भी अच्छी टॉप स्पीड हो जाएगी इसकी, और पिकअप भी अच्छा हो जाएगा। बाकी देखते हैं अब कितनी करती है ये अचीव, थोड़ा लंबा एरिया ले लेते हैं ताकि प्यार से टच हो जाए स्पीड इसकी। एयरपोर्ट पे टेस्ट हो सकती है, वैसे तो जगह मिलती नहीं है, तो यहाँ से करते हैं बिल्कुल एंड से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी जाती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 100 तो जल्दी अचीव कर लेती है, 120, 130, 180 तो यार कर देनी चाहिए, ऐसे 200 करनी चाहिए, 1200 सीसी की है, 160 के बाद इसकी स्पीड थोड़ी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, इसकी स्पीड 172 173, बस ओ ठोक दी भाई, कर दिया नुकसान भाई कर ले। चलो कोई नहीं रिपेयर करवा लेंगे, तो कितना नुकसान है देखते सही, एक बार देखें सही कहाँ कहाँ स्क्रैच लगे बाइक में, कोई नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, तो इससे पता चलता है कि बाइक की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। अगर ये सिर्फ 173 गई, एक बार और ट्राई करते हैं, हंड्रेड 120, ओ भाई साहब जहाज जा रहा है, जहाज से ना टकरा दे कहीं, साइड हो गया जहाज, अभी जहाज टेक ऑफ करेगा। 160 और ये 170 160 के बाद बहुत स्पीड स्लो हो जाती है इसकी, बहुत आराम से पकड़ती है। बस भाई यार इसकी टॉप स्पीड तो 180 भी नहीं गई, टॉप स्पीड बहुत कम है यार इसकी, तो इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाऊंगा मैं, तो ट्यूनिंग करवाने के बाद तो इसकी टॉप स्पीड आराम से 200 से प्लस चली जाएगी, क्योंकि ट्यूनिंग के बाद तो अच्छी हो जाती है बाइक की स्पीड, और पिकअप भी बढ़ जाता है भाई, जहाज से दूर रहना, टकरा ना जाए कहीं, नहीं पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे मेरे को। तो भाई बाइक वैसे बहुत बढ़िया है, पिकअप वगैरह बहुत मस्त है इस बाइक का, देखो लुक बहुत ही गजब लगती है बाइक की। और माइकल का हेलमेट फुल स्पोर्ट्स हेलमेट के नंबर का लग रहा है बाइक पे। बाकी और वेली फिर से मारती है भाई, वेली मस्त लगती है मेरे को तो, बाइक की वेट ज़्यादा है बाइक में थोड़ा सा। ओ भाई साहब तो इसको कोई कार भी लेनी है, कार का भी शौक है इसको यार बहुत ही, और इसके पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो इसको कार भी दिलाऊंगा मैं। बताओ आप कमेंट करिए कौन सी कार दिलानी चाहिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये अपनी पहली वीडियो है तो लाइक वगैरह मार देना यार, और बाकी घर पे रहना,
कोरोना वायरस काफी डेंजरस है यार, स्टे होम स्टे सेफ, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।